The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone, Namaskar, Adab, Sat Sri Akal, kaise hain aap dosto? Main hu Dr. Paramjeet, aap dekh rahe hain Dr. Education. दोस्तों आज हम बात करेंगे हार्टबर्न के बारे में। कई लोगों को पेट में जलन सी महसूस होती है, छाती के पीछे बिल्कुल अपने इस रिब केज, रिब बोन जो है बेस्ट बोन के पीछे एकदम ऐसा लगता है कुछ बर्निंग, पेनफुल बर्निंग सेंसेशन है। कई बार होता है कि स्टमक से नीचे ऊपर से कुछ ऐसा निकल रहा है एसिड और बर्न कर गया, दैट इज़ वो हार्ट बर्न होता है। ज़्यादातर ये आपके फूड पाइप से ही आती है इस तरह की फीलिंग, ठीक है, और कई बार ये और भी केसेस से हो सकता है बट मोस्टली इट इज़ बिकॉज ऑफ ए फूड पाइप। ये पेन हो रहा है आपके स्टमक से ऊपर चेस्ट तक और कई बार ये नेक गले तक भी जा सकता है, रिमेंबर। पर ये होता क्यों है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट सबको होता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एवरी वन विल हैव हार्ट बर्न। और हार्ट बर्न बहुत कॉमनली अगर हो रहा है, बहुत बार हो रहा है, तो हो सकता है आपको GERD हो, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, मतलब पेट का खाना, पेट का एसिड जो है ऊपर फूड पाइप में आपके इसोफेगस में रिफ्लक्स आ रहा है। होता क्या है उसमें एग्जैक्टली, देखो जब भी आप खाना खाते हो, कुछ भी पीते हो या खाते हो, वो आपके मुंह से, आपके फूड पाइप से, खाने की नली से आपके पेट में चला जाता है। स्टमक, छोटा सा पेट यहाँ होता है बाएं तरफ, लेफ्ट साइड में, राइट, लेफ्ट साइड में होता है। तो ये पेट जो क्या करता है, पेट के और फूड पाइप के बीच में एक मस्कुलर बैंड होता है, बैंड होता है मसल का, ये क्या करता है, जो फूड पाइप है उसको बंद कर देता है ताकि जो पेट के जो भी अंदर है वो ऊपर ना आ सके। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको कहते हैं लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, LES। ये बैंड अगर सही तरीके से टाइट, बंद ना हो, लूज हो, तो इसमें से आपके खाने पीने की चीज़ें ऊपर आ सकती हैं, एसिड स्टमक का ऊपर आ सकता है, और जब ये ऊपर आएगा तो आपके इसोफेगस, फूड पाइप को जलाएगा, क्योंकि फूड पाइप में स्टमक का एसिड नहीं रहना चाहिए, वो जब ऊपर आता है तो फूड पाइप जलता है और आपको दिक्कत होती है। इसीलिए धीरे धीरे इसी को हार्ट बर्न बोलते हैं, जिसको ये ज़्यादा होता है उसको GERD बोलते हैं। सो दैट्स व्हाट इट इज़, राइट। और ज़्यादातर ये लोगों को, जिनको ज़्यादा होता है, उनको हायाटस हर्निया भी हुआ हो सकता है। हायाटस हर्निया ये है जब स्टमक का, पेट का एक हिस्सा, छोटा हिस्सा आपके डायफ्राम मसल के ऊपर हर्निएट हो रहा है, ऊपर आ रहा है। नॉर्मली स्टमक पूरा नीचे होता है, डायफ्राम ऊपर होता है, अगर स्टमक का कुछ हिस्सा ऊपर आ रहा है तो डायफ्राम दबने से स्टमक का हिस्सा दबता है और इसोफेगियल स्फिंक्टर फैल सकता है। प्रॉब्लम ज़्यादा होती है हायाटस हर्निया वाले पेशेंट्स को। सो किसी भी कारणवश लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर में वीकनेस आ रहा है, वो सही से बंद नहीं हो रही, तो स्टमक का कंटेंट ऊपर आ सकता है। तो क्यों आता है ऐसा? नंबर वन रीज़न ऑब्वियसली, इसका कई रीजंस में होता है ऑब्वियसली, कई को फिजियोलॉजिकल रीज़न भी है, जैसे प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान पेट में प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि कई लोगों को कभी ना कभी गैस, ये हार्ट बर्न होगा ही होगा, ऊपर आएगा ही आएगा। मेडिसिंस का इस पर साइड इफेक्ट बहुत होता है, कई प्रकार की मेडिसिंस हैं जो हार्ट बर्न करती हैं, साइड इफेक्ट करती हैं इसोफेजियल स्फिंक्टर को, कर सकती हैं। आप ये बात सोचिए, आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक, हर प्रकार की मेडिसिन से ये साइड इफेक्ट हो सकता है। जैसे किस चीज़ की मेडिसिंस के लिए, जैसे आप सी सिकनेस, समुंदर की, या फिर मोशन सिकनेस के लिए आप मेडिसिन लेते हो, एंटी कोलिनर्जिक कोई भी मेडिसिन हो, उसका साइड इफेक्ट ये हो सकता है, क्योंकि कोलिनर्जिक मस्कुलर रिलैक्सेशंस होती हैं, एंटी कोलिनर्जिक। बीटा ब्लॉकर्स या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो ब्लड प्रेशर के लिए, हार्ट के लिए लिए जाती है, उनके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं ये। पार्किंसंस के लिए जो डोपामीन वाली दवाएं चलती हैं वो, फीमेल्स में जो बर्थ कंट्रोल या मेंसेस कंट्रोल के लिए प्रोजेस्टिंस चलती हैं उनसे, नींद के लिए, इंसोमनिया के लिए, एंजाइटी के लिए जो सेडेटिव्स चलते हैं, जो भी दवा आपको शांत करने के लिए दी जाती है दिमाग को, उनसे ये साइड इफेक्ट हो सकता है। लंग्स के, फेफड़ों के अस्थमा के लिए, COPD के लिए जो थियोफाइलिन, ब्रोंकोडायलेटर्स दवा दी जाती है उनसे, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट वाली दवाओं से, बिल्कुल इन सारी दवाओं से साइड इफेक्ट्स के तरह हार्ट बर्न, रिफ्लक्स हो सकता है। अगर आप इनमें से कोई भी दवा ले रहे हो और आपको हार्ट बर्न हो रहा है, तो खुद दवा बंद या चेंज मत करिएगा, डॉक्टर के पास जाइए, उनसे बात करिए क्या दवा ज़रूरी है, क्या चेंज कर सकते हैं, तो आपका हार्ट बर्न हो सकता है, इनको बदलने से चला जाए। और अगर फिर भी आपका हार्ट बर्न कई दूसरे कारण से भी हो रहा है, तो आप
को पता होना चाहिए कि क्यों हो रहा है। ऑब्वियसली कई ऐसे ट्रिगर्स हैं जिनके वजह से हार्ट बर्न होगा, और कई ऐसी चीज़ें आप कर सकते हो जिससे आप हार्ट बर्न रोक दो। रोकना बहुत ज़रूरी है समय पे। क्यों? बार बार जब हार्ट बर्न होता है तो फूड पाइप के जो आपके खाने की नली है उसमें बार बार एसिड आएगा, बार बार एसिड आएगा तो वो जलेगी अंदर, उसके अंदर अल्सर बन सकते हैं, उसके अंदर छाले बन सकते हैं, उनके अंदर आगे चल के कैंसर हो सकता है, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए आपको समय पर इसका सही इलाज जरूरी है, और आप इसका इलाज कर सकते हैं अपनी कुछ आदतें ठीक करके, क्योंकि कई ऐसी आदतें हैं जिससे ये बढ़ता है। तो क्या आदतें ठीक करें? सबसे पहले याद रखिए कि आपको अपने हैबिट्स, नंबर वन, ऐसे ट्रिगर जिससे कि ये बढ़ता है, जिससे ये ट्रिगर होता है, वो चीज़ें कम करनी है, खानी नहीं है, कम खानी है। जैसे कि अल्कोहल, दारू, कैफीन यानी चाय, कॉफ़ी, कोला, कोल्ड ड्रिंक, वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और सिट्रस फ्रूट्स, जो भी आपके नींबू और जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, नींबू, ऑरेंज, लेमन, आंवला, ये सारे फ्रूट्स या इनके जूस, और पेपरमिंट या स्पेयर मिंट वाली चीज़ें, और बहुत ही ज़्यादा तला हुआ, बहुत ही ज़्यादा चिकनाई वाला या बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी फूड वो नहीं खाना है। यहाँ तक कि टमाटर और टमाटर की सॉसेस वो भी आपको कम खानी पड़ेगी, ताकि आपको ये सारी प्रॉब्लम ना हो। इसके साथ और भी चेंजेस करने, खाने पीने के अलावा आदतों में चेंज करना है। नंबर वन, खाने के बाद तुरंत ना तो झुकिए, आगे झुकना नहीं है, और एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है खाने के बाद, कोई भी। खाने के बाद ये बात याद रखिए कि सोने और खाने में 3 से 4 घंटे का गैप रखने की कोशिश करिए, मतलब खाने के बाद 2-3 घंटे तक लेटना नहीं है, ये कोशिश करिए। और क्योंकि अगर आप भरे हुए पेट में लेट जाओगे तो वो खाना ऊपर पुश करके आपके इसोफेगल स्फिंक्टर को दबाएगा, खाना ऊपर आराम से ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं हुआ पुश करेगा लेटोगे तो आसानी से रिफ्लक्स हो सकता है, इसीलिए। और एक बार में कम खाना खाइए, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, वो ज़रूरी है। एक बार में कम, एकदम पेट भरा होगा तो आराम से ऊपर आएगा, आधा होगा तो कम चांसेस हैं, इसलिए कम, चाहे 4 घंटे में और खा लो, लेकिन एक बार में कम खाना खाओगे तो हार्ट बर्न कम होगा। इसके अलावा कुछ और चेंजेस करने हैं, एकदम टाइट बेल्ट्स या कोई वेट लिफ्टिंग बेल्ट्स या लेदर को कोई भी टाइट कपड़े ना पहने, वो पेट के अंदर का प्रेशर बढ़ाएंगे, और प्रेशर बढ़ेगा तो खाना और ऊपर पुश कर सकता है, स्फिंक्टर खुलेगा और ऊपर दिक्कत होगी। इसी प्रकार अगर आप ओवरवेट हैं, वजन बहुत ज़्यादा है, तो वजन ज़्यादा, फैट ज़्यादा होने से वहाँ भी प्रेशर बनाता है, फैट भी आपके पेट में प्रेशर बनाता है, वो भी आपके, वो प्रेशर आके ऊपर पुश करेगा इसोफेगस को, और स्फिंक्टर पुश होता है तो वो खुल जाएगा, और इसीलिए मोटे लोगों को ये प्रॉब्लम बड़ी आसानी से हो जाती है। यहाँ तक कि अगर आप 5-7-10 किलो वजन कम कर लेते हैं तो ये देखा गया है कई लोगों की GERD रिफ्लक्स की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, कई लोगों की, सिर्फ वजन कम करने से। तो ज़रूर वजन कम करिए, और नींद बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोते हैं तो आपको अपने बेड को, जब भी आप सोते हैं आप अपने बेड को थोड़ा सा एलिवेट करिए, थोड़ा सा एलिवेट करिए, 6 इंच तक आप बेड के जो पाइए है उस पाव के नीचे कुछ ईटा रख लो, कुछ रख लो, बुक्स रख लो, या फिर आप अपने बेड जो मैट्रेस के नीचे रख लीजिए, ताकि आपका एलिवेशन इस तरह से हो जाए, बेड एलिवेट हो। थोड़ा सा तकिया भी हैवी ले सकते हो, लेकिन तकिया हिलने के चांसेस, रात को सोते किसको पता तकिया कहाँ गया, राइट, दैट इज़ हाउ थिंग्स वर्क। क्योंकि उससे क्या होगा, थोड़ा सा एलिवेट होगा लेवल, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर जाने में उसको दिक्कत होगी, राइट। इसके अलावा सिगरेट, किसी भी प्रकार का बीड़ी, तंबाकू, कुछ भी खाते वो बंद करना होगा, क्योंकि उसमें कुछ केमिकल्स हैं जो कि इस स्फिंक्टर, जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को वीक करते हैं, तो वो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, वो बंद करना पड़ेगा। स्ट्रेस भी अगर आपको बहुत होता है, किसी भी प्रकार का काम का, मैरिज का, लाइफ का, बच्चों का, किसी का स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस से भी ये प्रॉब्लम होती है। तो स्ट्रेस रिलीव करिए, योगा करिए, मेडिटेट करिए, एक्सरसाइज करिए, रिलैक्स करिए, मज़े करिए, स्ट्रेस रिलीव करिए। अगर इन सब चीज़ों को करके, ये खाना पीना, एक्सरसाइज, इन सब बातों को ध्यान में रखने के बावजूद आपको दिक्कत हो रही है, तो आप कुछ मेडिसिंस ले सकते हैं, ओवर द काउंटर मेडिसिन, जैसे एंटासिड्स ले सकते हैं, जो डाइजीन है, दूसरी है, ये सब एंटासिड्स क्या करते हैं, स्टमक एसिड में जाके उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, तो एसिड ज़्यादा तेज़ नहीं होता, तो आपको जब ऊपर आएगा भी तो जलेगा कम। दूसरा, एंड स्टमक ही एसिड ही कम बने, इसकी दवा ले सकते हो, जो होते हैं PPIs और H2 ब्लॉकर्स, वो सब ले सकते हो, जिनटैक, रेनिटिडीन, पेंटोप्राजोल, रेमेप्राजोल, वो सब चीज़ें ले सकते हो, वो स्टमक एसिड प्रोड्यूस कम करवाती हैं, सो आप उसे खाना खाने से पहले लेंगे तो ही काम करेगी, खाना खाने के 30 मिनट पहले, राइट।
इसके अलावा डॉक्टर के पास जाने की जरूरत तब होगी अगर आपको किसी भी प्रकार का खून या ब्लड या काले कलर कॉफी ग्राउंड कलर की उल्टी आ रही है या लैट्रिन काली आ रही है या फिर आपको छाती में बहुत ही ज़्यादा दर्द स्क्वीज जलन या दबाव महसूस हो रहा है हार्ट अटैक के जैसा तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। या फिर अगर आपकी ये दिक्कत कई हफ्तों से ठीक ही नहीं हो रही सब करके देख लिया हेल्थ केयर वाली सारी कुछ करके देख लिया फिर दिखा लीजिए। अगर आपका अननेसेसरी वजन कम हो रहा है बहुत ज़्यादा मात्रा में 10 किलो से ज्यादा तो फिर आप दिखाइए कैंसर वैंसर के लिए। कोई चीज अटक अटक के जा रही है कि हर चीज जो खाते हैं यहां अटकती है ट्रबल होता है निगलने में तो भी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए उस केस में भी कैंसर हो सकते हैं। राइट, खांसी आ रही है स्नीजिंग हो रही है जा ही नहीं रही खांसी तो भी दिखाइए। कभी गला खराब हो सकता है बहुत मात्रा में वहां टॉन्सिल्स बड़े हो वो चीजें एक प्रॉब्लम हो सकती है। राइट, वो अलग बहुत सारी चीजें हैं। या अगर आपकी प्रॉब्लम एंटासिड से या दवाओं से भी ठीक नहीं हो रही या फिर आप को कोई चेंज नहीं हो रहा किसी चीज़ से तो डॉक्टर को दिखाइए। डॉक्टर ऑब्वियसली आपसे सारे सवाल पूछेंगे आपकी डाइट आपकी कॉफ़ी आपकी स्लीप आपकी एक्सरसाइज आप कौन सी दवा सिगरेट स्मोकिंग स्टूल्स ब्लैक ये वो ये उल्टी लैटरिन सबसे सवाल पूछ के अल्टीमेटली टेस्ट पे आते हैं। सिंपल प्लेन सिंपल ब्लड टेस्ट के अलावा तीन टेस्ट होते हैं। एक ईसोफेजियल एंडोस्कोपी होती है, एंडोस्कोपी यानी एक ट्यूब डालते हैं दूरबीन डालते हैं उससे देखते हैं अंदर क्या हो रहा है अंदर कि म्यूकोसा जल तो नहीं रही गैस्ट्राइटिस अल्सर क्या है अंदर वो पता चलता है। एंडोस्कोपी के अलावा एक टेस्ट आता है जिससे आप इस लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की मोटिलिटी टेस्ट कर सकते हैं। मोटिलिटी टेस्ट करने के लिए आप इसोफेजियल मोटिलिटी टेस्ट कर सकते हैं इस पे कितना प्रेशर है वो उससे पता चलता है। तो अगर आपके सिम्टम नहीं जा रहे होम केयर ट्रीटमेंट पहले ट्राई करिए सारे पॉइंट्स फॉलो करिए जो हमने बताए लिख के और उसके बाद भी नहीं जा रहे तो मेडिसिंस ट्राई करो जो हमने बताई वो ओवर द काउंटर फार्मासिस्ट से मिल जाएगी। उसके बावजूद नहीं हो रहा है और कोई भी अलग से सिम्टम है तो डॉक्टर के पास जाइए। किसके पास? गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट के पास। यही प्रॉब्लम है हार्टबर्न जिसे गैस्ट्रो इंट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज GERD भी कहते हैं पायरोसिस भी कहते हैं इसोफेजाइटिस भी कहते हैं। तो ये हुई बात इस प्रॉब्लम की। आई होप आपको समझ आई, नहीं आई तो फिर देखिए और समझ आइए तो दूसरे किसी को जरूर समझा दो तो आपको याद रह जाएगी। याद रखिए हार्टबर्न इनडाइजेशन से अलग है। इनडाइजेशन सिर्फ यहां पे भारी भारी लगना या अजीब सी फीलिंग होना है पेट के अपर हिस्से में उसका अलग वीडियो है तो जरूर देखिएगा। हार्टबर्न इनडाइजेशन गैस्ट्राइटिस सबके अलग GERD का अलग वीडियो है गैस का अलग वीडियो है। ऑलवेज वॉच द वीडियोज शेयर द इंफॉर्मेशन सबको बताइए ताकि सबकी नॉलेज बढ़े। नॉलेज इज प्रिवेंशन। सब ठीक रहेंगे तो इंडिया हेल्दी आएगा। राइट, हेल्थ लिटरेसी बढ़ाइए। मैं हूँ डॉक्टर परमजीत आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। स्टे कनेक्टेड स्टे हेल्दी।